जानते नौजवान है पहले त्योहारों पे याद आती की घर सही बात है जो ओरिजिनल वर्जन था वो तो बहुत अच्छा लगा कभी ना छूटे जैसे कुछ लौंडे जल से छुप गए थोड़े बहुत व्यूज मिले बंदे उड़ गए आस्था लवी हेलो फ्रेंड्स सत श्री अकाल आदाब नमस्ते वेलकम बैक टू आवर चैनल इलाही रिएक्शन आज हम अपने चैनल पे लेके हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं कोक स्टूडियो भारत प्लीज स्टॉप दिस तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसका जो टाइटल है कोक स्टूडियो भारत के लिए है और वो उनको बोल रहे हैं कि प्लीज इस चीज को स्टॉप कर दिया जाए हमें नहीं पता कि वीडियो के अंदर क्या होने वाला है किस चीज की बात की हुई है क्योंकि हमें ये तो पता है कि कुछ गाने जो हैं पाकिस्तान के जो है वो कॉपी किए जाते हैं हमने कल ही एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर हमने देखा था जितने भी हिट सॉन्ग्स हैं जितने भी टाइटल ट्रैक्स हैं वो पाकिस्तान के ओल्ड सॉन्ग्स जो होते थे उनको कॉपी कर करके नया गाना बनाया गया इधर बॉलीवुड में वो हमने एक वीडियो देखी थी बट कोक स्टूडियो के कौन से सॉन्ग्स हैं या क्या बात हो रही है इसके अंदर तो ये जानने के लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं फिर इसके बारे में बात करेंगे वाकई में आज की वीडियो का टाइटल जितना धमाकेदार है उतनी ही आई थिंक आज की वीडियो नॉलेजेबल होने वाली है क्योंकि हमने कुछ ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसमें हमें ये पता चला है कि पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री को हमेशा इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री कॉपी करता आया है और ऐसे बहुत सारे हिट ट्रैक हैं जो उन्होंने पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री से चोरी किए हैं तो हमारे लिए वो वीडियो भी बहुत ज्यादा शॉकिंग थी आज की इस वीडियो में ये क्या कुछ खुलासा करने वाले हैं कोक स्टूडियो इंडिया के बारे में तो चलिए जानते हैं और देखते हैं कि आज की वीडियो में क्या कुछ खास है तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को कोक स्टूडियो कहाँ जी रहा है कोक स्टूडियो भारत ये चीज क्यों नहीं कर सका ऐसी बात नहीं है कि 50 लोगों की टीम को रियलाइज नहीं हो रहा कि ये कितना बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं बल्कि द थिंग इज कि शायद इन लोगों को लगता है कि ऑडियंस को कुछ समझ नहीं आएगा ऑडियंस को कुछ फर्क नहीं पता चलेगा तो आई एम श्योर कोक स्टूडियो सुनते ही आपके माइंड में इतने सारे अच्छे गाने आ जाते होंगे इतना अच्छा म्यूजिक आ जाता होगा आज के डेट में भी मैं अपने सेशंस में पुराने जो कोक स्टूडियो के गाने हैं उनके रेफरेंसेस देता हूँ वीडियो से लेके ऑडियो हर चीज एकदम टॉप नॉच थी और वो एक लेवल अचीव कर लिया था कोक स्टूडियो ने लेकिन फनी बात ये है कि ये जो कोक स्टूडियो भारत है ये भारत को ही 20 साल पीछे ले गया तो ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूँ ये मैं आप लोगों को सब प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर उतनी भी बेसिक अवेयरनेस हम लोग नहीं फैला पाए अगर उतनी भी बेसिक चीज हम लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं तो ये चीज बहुत बुरी लगेगी सुनने में लेकिन जो फॉरेन म्यूजिक है फॉरेन कल्चर है उससे हमेशा हम लोग 10 से 20 साल पीछे रहेंगे तो सबसे पहले अगर हम लोग इस गाने की बात करें जिसके अंदर सीधे मौत को फीचर किया गया था वन ऑफ माय फेवरेट आर्टिस्ट ये वाला सेक्शन सुनते ही एकदम मेरा दिमाग हिल गया आप ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिएगा कि उनकी आवाज और म्यूजिक कितना ब्लेंड हो रहे सो इट साउंड्स वेरी रैंडम ऐसा लग नहीं रहा है कि कहीं ना कहीं वो म्यूजिक के साथ ब्लेंड हो रहा है और यहीं पे अगर आप लोग इनके वर्ड्स सुने इन्हीं के गानों में कैसा लगा कुछ कर क्या बिगाड़ो काम तमाम जो काम नाराज है नाम से जानते नौजवान है पहले त्योहारों पे याद आती की एक घर सही बात है जो ओरिजिनल वर्जन था वो तो बहुत अच्छा लगा कभी ना छूटे जैसे कुछ लौंडे जल से छुप गए थोड़े बहुत व्यूज मिले बंदे उड़ गए आस्था लवी स्टॉपिंग और आप लोगों को वो डिफरेंस समझ आ रहा होगा आप लोगों को फील हो रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये वाले ज्यादा प्रोफेशनल साउंड कर रहे हैं ट्रैक्स और सोचिए कि ये तो इंडिपेंडेंटली रिलीज हुए हैं और एक तरफ आप लोगों ने जो कोक स्टूडियो का वीडियो देखा है उस पे तो करोड़ों रुपए खर्च हुए होंगे और फिर ये हाल है अब यहाँ पे ये लोग ये एक्सक्यूज दे सकते हैं कि हमने रॉ नेचर अचीव करने के लिए ऐसा टेक्सचर दिया था हमने इसीलिए इस पे ऑटो ट्यून नहीं डाला इस पे पिच करेक्शन नहीं किया बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि अरिजीत सिंह की भी आवाज पे ऑटो ट्यून डलता है सोनू निगम जी की आवाज पे भी ऑटो ट्यून डलता है एक स्लाइट अमाउंट ऑफ ऑटो ट्यून डालना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आजकल मोस्टली म्यूजिक इलेक्ट्रॉनिक है और जो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक होता है वो पिच परफेक्ट होता है और अगर आपके वोकल्स पिच परफेक्ट नहीं हुए तो कहीं ना कहीं वो गाने के साथ ब्लेंड नहीं blend और नहीं अगर आपको अभी भी डिफरेंस नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको किंग के गाने सुनाता हूँ और आपको डिफरेंस दिखाता हूँ कि अच्छे से पिच करेक्शन करने से अच्छे से ऑटो ट्यून यूज करने से अच्छे से मिक्स करने से गाने में क्या डिफरेंस आता है तो ये वाला जो इनका गाना है ये इन्होंने लगभग 2 साल पहले रिलीज किया था जब ये हसल में आए थे जब करती तू बातें बस तेरी तेरी जो सोचे तेरा अरमां छोटा तो बेसिकली ये पार्ट सुन के तो आई एम प्रीटी श्योर आपको रियलाइज हो रहा होगा इतना तो आपको पता चल रहा होगा कि जो म्यूजिक और वोकल्स हैं वो आपस में ब्लेंड नहीं हो रहे अब यहाँ पे किंग के टुवर्ड्स में कोई हेट नहीं शो करना चाहता बिकॉज किंग की तो मैं खुद रिस्पेक्ट करता हूँ मुझे खुद ये आर्टिस्ट बहुत पसंद है अब यहीं पे मैं आपको डिफरेंस दिखाऊं कि अगर आप एक अच्छे मिक्सिंग इंजीनियर को ट्रैक पे लेते हैं तो वो क्या आउटपुट देते हैं मेरी जान तूने मुझको पागल है किया मेरा या फिर ये गाना सुन के देखिए और एक आप लोगों को वन ऑफ माय फेवरेट गाना सुनाता हूँ जिसमें किंग फीचर हुए उसमें जिस तरह से ऑटो ट्यून का यूज हुआ है पिच करेक्शन का यूज हुआ है मैं तो सुन के हिल गया मैं सच जो कह दूं मेरी जा क्यों रूठती है जिस्म तो मिल जाए पर रूह छूटती है
अब वो क्या स्मूथ ट्रांजिशन थी एंड ट्रस्ट मी, मैं तो इसी फील्ड से हूँ तो मुझे समझ में आता है कहाँ पे पिच करेक्शन हुआ है कहाँ पे नहीं हुआ है। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल भूमि का एक और बहुत सुंदर गाना है जो कि मेरे को काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन वहां पे भी अगर मैं आप लोगों को एक सेक्शन सुनाऊं एक पार्ट सुनाऊं तो आपको फील होगा कि आवाज में कुछ तो है सिंगर की, थोड़ा सा ऑटोट्यून एक्सेस में यूज हो गया है। महादेवा महेश्वरा। So, अगर आप लोग ध्यान से सुने इस चीज को इमेजिन करके देखें तो आपको फील होगा कि एक इंसान ऐसी आवाज में गा ही नहीं सकता, एक इंसान वैसी मूवमेंट के साथ वैसे रोबोटिक टेक्सचर के साथ गा ही नहीं सकता। दोबारा सुन के देखें, ये वाली लाइन में तो एकदम एविडेंट है। महादेवा महेश्वरा। और अगर आप लोगों को लगता है कि आजकल के जो बॉलीवुड के सिंगर्स हैं वो ऑटोट्यून नहीं यूज करते, आप खुद आतिफ असलम की आवाज को सुन के देखिए इस सेक्शन में। ये लास्ट में तो बहुत ज्यादा एविडेंट था, लेकिन अगेन अगर आप लोग इस लाइन को दोबारा सुने तो आपको फील होगा कि कहीं ना कहीं वो जो शेकीनेस है, वो जो राउंड राउंड नोट्स हो रहे हैं, वो सिर्फ ऑटोट्यून कर सकता है क्योंकि वो एक इंसान वैसा नहीं गा सकता है। सिंगर्स भी ऑटोट्यून यूज करते हैं, पिच करेक्शन यूज करते हैं, तो फिर कोक स्टूडियो कहाँ जी रहा है? कोक स्टूडियो भारत ये चीज क्यों नहीं कर सका? दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। और कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट से भी ज्यादा दिल दुखता है ये चीज देख के, ये चीज होते हुए अपने म्यूजिक को, जब सलीम सुलेमान जैसे जो इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस हैं वो इतनी परफेक्शन के साथ गाने डाल सकते हैं, आप जिनके पास करोड़ों का बजट है, जिसके पास किसी रिसोर्स की किसी चीज की कमी नहीं है, आप ये चीज छोड़ रहे हैं। अगर कोई स्ट्रेंजर होता तो मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, या इवन अगर कोई बड़ा लेबल भी होता तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो अपने लिए कर रहे हैं, वो अपना नाम खराब कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली भारत का नाम जो एसोसिएट किया गया है, मैं तो उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि वो जो गाने हैं वो कोक स्टूडियो का जो टैग है उसको डिजर्व भी नहीं करते। यहीं पे अगेन अगर मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल दिखाऊं कोक स्टूडियो भारत क्या कर रहा है, रश्मित कौर वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड वोकलिस्ट, सीरियसली वो मेरे भी बहुत फेवरेट है। और फिर मैं आप लोगों को उनका कंपैरिजन दिखाऊंगा। इतनी अच्छी वोकलिस्ट हैं तब जाके इतना क्लोज परफॉर्मेंस दे पाई हैं, लेकिन अगेन अगर आपका एक म्यूजिकल ईयर है, जो भी सिंगर्स जो भी म्यूजिक प्रोड्यूसर्स देख रहे हैं इस वीडियो को, वो पहचान पा रहे होंगे कि कितने सारे नोट्स तो हिट भी नहीं हो रहे हैं। लिसन टू दिस सेक्शन। अब यहीं पे इनका एक ओरिजिनल गाना सुन के देखते हैं और उसके अंदर ट्राई टू ऑब्जर्व कि वोकल्स कैसे ब्लेंड हो रहे हैं म्यूजिक के साथ। आप मतलब वोकल्स तो ठीक है, ग्रो नहीं कर रहे म्यूजिक के साथ, लेकिन म्यूजिक भी कैसा फैला हुआ है। मतलब कोक स्टूडियो अगेन कुछ भी आपस में ब्लेंड नहीं है। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कोक स्टूडियो के गाने सुनाता हूँ, लेकिन ये वाले तो मैं कभी नहीं सुनाऊंगा, बिकॉज अगर ये गाना मैंने अपनी क्लास में प्ले कर दिया तो वो खुद इसमें 10 गलतियां निकाल देंगे। और सिर्फ रश्मित कौर की बात नहीं है, अगर आप कोरस सुने इस गाने का तो आपको फील होगा कि उसमें सुर तो छोड़ो, टाइमिंग भी आगे पीछे है, कभी कोई वर्ड आगे आ रहा है कभी कोई वर्ड पीछे हो रहा है। ये सब चीजें सॉफ्टवेयर से फिक्स की जाती है, ये सब आपके मिक्सिंग के अंडर आता है। और अगर मैं स्पेसिफिकली बताओ तो एक्चुअली एडिटिंग के अंदर आता है। ये लास्ट वर्ड देखो, ये टाइमिंग से पहले आ गया। अगेन ये लाइन पहले आ गई टाइमिंग से, एक लय होती है म्यूजिक की, ये चीज तो बहुत बेसिक है। अब यहीं पे ये एग्जांपल सुनिए जिसके अंदर कोरस को परफेक्टली मिक्स किया गया है, कहीं ना कहीं एटलीस्ट टाइम और पिच करेक्शन तो किया ही गया है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर मल्टीपल लोग भी एक चीज को गा रहे हैं तो वो टाइम पे आए, उनका जो शब्द है वो एक साथ शुरू हो, ऑलमोस्ट सेम टाइम पे और ऑलमोस्ट सेम टाइम पे। ये भी गाना सुन लीजिए, एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इस चीज का। सो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया कि वो मल्टीपल लेयर्स भी आई और कहीं ना कहीं वो क्लटर नहीं कर रहा, क्लटर नहीं वो किया, मेसी साउंड नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है कि वो परफेक्टली म्यूजिक के साथ ब्लेंडेड है। और अब एक बार इसको सुन के देखिए। और एक तरफ दोबारा इस कोरस को सुन के देखिए।
मतलब अगर आप लोगों को ये भी रियलाइज नहीं हो रहा कि इनमें कुछ डिफरेंस है, या अगर आप जस्टिफाई करना चाहते हैं इस परफॉर्मेंस को, देन आई एम रियली सॉरी, लेकिन हमारी जो म्यूजिक इंडस्ट्री है वो कभी ग्रो नहीं कर पाएगी। अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं कि अच्छे म्यूजिक की कदर हो, अच्छे आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट हो, तो फिर ये अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है कि क्या सही है, क्या गलत है, कैसे इस चीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगेन, इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा सिंपल सा इंटेंशन था कि मैं इस चीज की अवेयरनेस फैला पाऊं, एंड बाय एनी मींस मैं कोक स्टूडियो या फिर जो लोग भी एसोसिएटेड है उनके साथ, मैं उनमें से किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ। जस्ट दैट इस चीज की अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी था, इस चीज को करेक्ट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज अभी अपने इनिशियल स्टेज पे है। जैसे जैसे ये ग्रो करेगा वैसे वैसे दुनिया की नजरें इस पे आएंगी, और वो सिर्फ ये नहीं बोलेंगे कि ये गाना बुरा है या आर्टिस्ट ने ढंग से नहीं गाया, बल्कि कहीं ना कहीं क्योंकि यहाँ पे भारत का नाम एसोसिएटेड है, तो एक्चुअली इंडिया पे उंगली उठेगी, इंडिया के म्यूजिक कल्चर पे उंगली उठेगी, एंड ऑनेस्टली वो चीज देख के मेरे को बहुत बुरा लगेगा। सो या, और मैं कुछ नहीं बोल सकता इस टॉपिक पे, बिकॉज अब जो करना है वो सिर्फ इन्हीं लोगों को करना है, कि आप लोगों को करना है, हेल्प करिए मुझे ताकि मैं इस सब्जेक्ट की अवेयरनेस फैला पाऊं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जान पाए कि क्या सही है, क्या गलत है, कैसे एक चीज को ठीक किया जा सकता है, कैसे ग्लोबल म्यूजिक में एंट्री की जा सकती है। ऐसा क्या है बाहर के म्यूजिशियंस में कि वो ग्रैमी ले जाते हैं, और हमारा बॉलीवुड म्यूजिक जो कि इतना ज्यादा रिच है म्यूजिकली, कुछ गाने तो इतने ज्यादा एक्सेप्शनल है कि वो बिलियन व्यूज तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो एक ग्रैमी क्यों नहीं ला पाते हैं? और अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि हिंदी लैंग्वेज की वजह से वो लोग ग्रैमी नहीं ला पाते, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, काफी सारे स्पेनिश गाने और काफी सारे लैटिन गाने भी ग्रैमी जीते हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, केपॉप म्यूजिक तो आप लोग देख ही सकते हैं आज के टाइम में कितना राइज कर रहा है। सो ऑल इन ऑल मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जितनी ज्यादा नॉलेज फैलेगी, जितनी ज्यादा अवेयरनेस फैलेगी इस चीज के बारे में, उतने ज्यादा लोग अवेयर होंगे, और ये जो गलतियां हैं ये गलतियां होनी बंद हो जाएंगी। क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि 50 लोगों की टीम को रियलाइज नहीं हो रहा कि ये कितना बड़ा ब्लंडर कर रहा है, बल्कि द थिंग इज कि शायद इन लोगों को लगता है कि ऑडियंस को कुछ समझ नहीं आएगा, ऑडियंस को कुछ फर्क नहीं पता चलेगा, जबकि मुझे पता है कि जितने भी म्यूजिशियंस इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने तो पहले ही ये चीजें पकड़ ली होंगी। जस्ट दैट ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनको इस चीज के बारे में नहीं पता। तो बस अच्छा म्यूजिक सुने, अच्छे आर्टिस्ट को सपोर्ट करें, और कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले 4 से 5 सालों में इंडिया में खूब सारे ग्रामीज आए। यार ये वीडियो देखने के बाद तो मतलब इतना कुछ पता चल गया मुझे कि कैसे, मतलब आजकल हम लोग पाकिस्तान कोक स्टूडियो के बहुत सारे गाने सुन रहे हैं, और इस वीडियो से पहले भी हम लोगों ने पाकिस्तान कोक स्टूडियो की एक वीडियो देखी थी और उसके हम फैन हो गए। हमने 2 AM देखे, मगरोला देखे, इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग देखे, और सच में अब हम लोग कंपैरिजन कर पा रहे हैं, क्योंकि शायद हम लोग म्यूजिक इंडस्ट्री म्यूजिक बैकग्राउंड से नहीं है, तो हम लोग को अभी शायद वो फर्क इतना नहीं पता चलता था पहले तक, पर आज की वीडियो सच में बहुत ज्यादा आई ओपनिंग थी। हमें काफी चीजें पता चली, क्या चीज जो है वो कोक स्टूडियो भारत में गलत हो रही है, और जो कि आगे जाके सुधर जानी चाहिए। पर सच में आज की वीडियो बहुत नॉलेजेबल थी, वाकई में आज की वीडियो ने तो काफी कुछ जो है इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री का पूरा पर्दाफाश किया है। वाकई में आई थिंक आप नॉर्मल पर्सन जो हम लोग एज अ व्यूवर इन सब चीजों को सुने तो शायद हम जज ना कर पाए, लेकिन इस वीडियो में जिस तरीके से इन्होंने हर बारीकी के साथ हमें हर एक चीज स्पेसिफिक पॉइंट्स के साथ क्लियर की है, आई थिंक अब वो ब्लंडर मुझे समझ आ रहे हैं कि वाकई में जब आतिफ असलम नॉर्मल अगर आप उनकी कोई भी कैसेट उठा के देख लें तो इतने अच्छे म्यूजिक के साथ ब्लेंड है उनकी आवाज कि आप बिल्कुल, वाकई में नॉर्मल इंसान तो वैसा गा ही नहीं सकता, लेकिन कोक स्टूडियो में जब वही म्यूजिशियन और वही सिंगर्स आके गाते हैं तो वो इतना बड़ा ब्लंडर करते हैं। और स्पेशली कोक स्टूडियो पाकिस्तान की मैं जितनी तारीफ करूं, हमने बहुत सारे गाने सुने हैं कोक स्टूडियो पाकिस्तान के, और वो मेरे पर्सनल इतने ज्यादा फेवरेट हैं क्योंकि आई थिंक उसकी सिर्फ जो मेन स्पेसिफिक जो पॉइंट है वो है उसका दमदार म्यूजिक, इसीलिए आई थिंक पाकिस्तान कोक स्टूडियो इतना ज्यादा फेमस है। लेकिन अगर इंडिया कहीं ना कहीं पाकिस्तान को कॉपी कर रहा है उनके म्यूजिक के साथ, तो आई थिंक जो अंदाज जो टैलेंट उनके अंदर है उसे भी इंडिया को कॉपी करना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ हमने देखा है नया और बहुत टैलेंटेड चीजें हमने देखी है कोक स्टूडियो पाकिस्तान के अंदर, तो हम उम्मीद करते हैं कि भारत भी उनसे कुछ ना कुछ सीखेगा। तो ठीक है गाइस, इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, होप करते हैं आपको भी पसंद आई होगी वीडियो, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी, और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।